हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिर सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप भाइयों के लिए एक न्यू टूल लेके आ गया हूँ। तो ये बिल्कुल फ्री टूल है, ठीक है, फ्री में चलने वाला है, कोई भी आपको इस पर खर्चा नहीं करना है, बिल्कुल फ्री चलाओ, ठीक है। बहुत सारे भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई ऐसा कोई फ्री टूल लेके आओ, क्योंकि मैंने एंड्रॉयड मल्टी टूल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो बोल रहे हैं कि भाई ये तो पेड है, ठीक है, उस पर सिर्फ 10 क्रेडिट लगाने पड़ते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि भाई ये तो पेड है, कोई ऐसा फ्री टूल लेके आओ। तो मेरे भाई, ये बिल्कुल आप भाइयों के लिए फ्री टूल है, ये फ्री में चलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आप भाइयों को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, उसके बाद में ये रजिस्टर करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसके कीजन वगैरह सब कुछ आपको साथ में मिलेगा, तो किस वेबसाइट से आप डाउनलोड करो जिसमें आपको कीजन वगैरह साथ मिल जाए, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड खुद कर सकते हो, लेकिन आप डाउनलोड करोगे तो आपको कीजन कहीं और से निकालना पड़ेगा, ये एक एक करके आपको सब फाइलें जो है ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, उस वेबसाइट से आप निकालोगे इंशाल्लाह आपको एक ही वेबसाइट पे सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है, दोनों फाइलें आपको मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें तो आने वाली वीडियो सबसे पहले आप भाइयों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आपके पास कोई भी इंटरनेट ब्राउजर है तो वो आप ओपन कर लें। मेरे पास ये गूगल एक ब्राउजर है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ हम सर्च करेंगे वीजी टूल, ठीक है। तो आपको सर्च करना है वीजी टूल, तो ये मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये सारी की सारी वेबसाइट आ जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चला जाता हूँ, ये आपके सामने, तो इसका अभी लेटेस्ट वर्जन भी आया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, दूसरे नंबर पे आपको वेबसाइट मिलेगी, तो वेबसाइट को आप ओपन करें, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए हम नीचे चले जाएंगे, आपके सामने अब ये आ चुका है, ठीक है। अभी वीडियोस आपको कंप्लीट वॉच करनी है, क्योंकि भाई इसको रजिस्टर करना है, इसकी कीजन वगैरह ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये वर्क करेगा, कैसे हम रजिस्टर इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने अभी ये लेटेस्ट वर्जन भी आया हुआ है, ये ओल्ड वर्जन है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह अब तो आप डाउनलोड कर लेंगे, थोड़ा सा हम नीचे चले जाते हैं। तो ये आपके सामने इसका पासवर्ड है, ठीक है, ये पासवर्ड आप लगाओगे तब जाके ये ओपन होगा, ठीक है, जिप से तब जाके अनजिप होगा। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ से, और मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये मेरे पास ओल्ड वर्जन है, तो ये इसका कीचन वगैरह उधर आपको साथ में मिल जाएंगे, ठीक है, और कहीं आपको नहीं ढूंढने हैं। तो पहले मैं इसका कीचन जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ये इसका सेटअप है, ठीक है। तो सेटअप को भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ ओके करेंगे, अब थोड़ा सा वेट करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ टाइम लिया और हो चुका है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हम पहले किचन को ओपन करते हैं, ठीक है, ये आपके सामने मैं किचन ओपन कर लेता हूँ, ये हो चुका है किचन ओपन, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हैं, एक बार बैक करेंगे इसको, ठीक है, इसको साइड पे रख देते हैं और इसको एक बार हम बैक कर लेंगे। तो आपके सामने मैं यहाँ से कट कर देता हूँ इसको, तो यहाँ से कर लेते हैं बैक, और अब सेटअप ओपन करेंगे, ये सेटअप है, डबल क्लिक करके हम ओपन करेंगे, और अब स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले जाएंगे, ठीक है। ये इसका सेटअप है, तो इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, अब थोड़ा सा वेट करेंगे, अब ये टूल ओपन हो चुका है, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ भी शो नहीं करवा रहा है। तो मेरे भाई, शो क्यों नहीं करवा रहा है, ये रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कीजन लगा के रजिस्टर करना पड़ेगा। तो कीजन लगा के आप रजिस्टर कैसे कर सकते हो, तो देखो ये आपके सामने इसका की दिया हुआ है, तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे, ठीक है, इसकी आईडी जो है उसको कॉपी करेंगे, यहाँ से आपके सामने मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इसका जो कीचन है उसमें लगाएंगे, ये आपके सामने हार्डवेयर आईडी है इसकी, इसको हम लगाएंगे इसमें, उसके बाद यहाँ से जनरेट करेंगे, ठीक है, आपके सामने मैं कर लेता हूँ। अब ये इसका कीचन जो है वो आ चुका है, यहाँ से इसको बिल्कुल हम कॉपी कर लेंगे, ऑल सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, ठीक है, ये नीचे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो चुका है, कॉपी ओके, उसके बाद इसमें लगाएंगे, ये वाला ऑप्शन जो आ रहा है इसमें लगाएंगे, ये आपके सामने मैं लगा लेता हूँ, यहाँ से हम लॉगिन कर देंगे, ठीक है, कीजन लग चुका है, उसके बाद हम लॉगिन करेंगे, ये आपके सामने लॉगिन हो चुका है। अब ये देखो सब कुछ शो कर रहा है, ये सब कुछ ऑप्शन इनेबल हो चुके हैं, ठीक है, पहले ये डिसेबल थे सब कुछ,
अभी इनेबल है। तो मैं सबसे पहले आपको बात करूंगा कि मीडियाटेक और सैमसंग के लिए बिल्कुल बेस्ट टूल है। तो अभी क्वालकॉम को भी देख लेते हैं, क्वालकॉम में क्या क्या दिया हुआ है। ये आपके सामने है सब कुछ जो है, ये आप देख सकते हो। बिल्कुल मेरे भाई 100% वर्किंग टूल है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ये ऑटो के ऊपर है, और अब आप देख रहे हैं वीवो, ओप्पो, रियलमी, ये बिल्कुल सैमसंग और रियलमी इसके लिए बिल्कुल अच्छा टूल है, ठीक है। तो अभी मैं ए के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको मॉडल दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे, अब ये आप मॉडल देख पा रहे हो, इतने सारे मॉडल दिए हैं, बिल्कुल फ्री वर्क करता है, इसलिए मैं आप भाइयों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम चलेंगे मीडियाटेक में। तो मीडियाटेक के ऊपर क्लिक किया और ये आप देख रहे हो, ठीक है। और मीडियाटेक में हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पे चले जाते हैं। तो सिर्फ ये फॉर्मेट के ऊपर मैं आ गया, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके यूनिवर्सल पे जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल पे आ गए, उसके बाद अब हम मॉडल देखेंगे इसके मॉडल कितने हैं। तो अभी यहाँ हम क्लिक करते हैं, और ये वीवो वगैरह, रियलमी, सैमसंग सब कुछ दिए हुए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सैमसंग के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं सैमसंग के कितने इसमें मॉडल दिए हुए हैं। तो मेरे भाई ये आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे मॉडल दिए हुए हैं, और आप इजीली ऑन क्लिक में अपने मोबाइल को यहाँ से अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सैमसंग में। तो ये मैं आ चुका हूँ सैमसंग में। सैमसंग के लिए तो मेरे भाई बिल्कुल अच्छा टूल है, ठीक है। सैमसंग का इन्फो ले सकते हो, या कोई मोबाइल क्या होता है, अभी ओल्ड मॉडल जो है उसके कभी कभी जो पुराने वाले मॉडल है उसका बटन नहीं काम करता है, तो उसके लिए हमें रिबूट करना पड़ता है रिकवरी मोड में अनलॉक करने के लिए, ठीक है, रिस्टोर करने के लिए, मोबाइल को हार्ड रीसेट करने के लिए। तो यहाँ से हम कर सकते हैं इजीली। तो इसके जो ड्राइवर है, ड्राइवर हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल, ये जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर, तो ड्राइवर यहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा टूल है, 100% वर्किंग टूल है। आप भाइयों को अच्छा लगेगा, फ्री में यूज़ करना चाहते हो तो ये डाउनलोड करके आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।